एक्सप्लोर्ड ब्लॉक्स इनकी भी ऑक्शन करने की ऑप्शन दी जाएगी ताकि उसकी एक्सप्लोरेशन भी हो सके और उसकी प्रोडक्शन से भी उसका लाभ लिया जा सके। इसमें प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को बल मिलेगा और इससे इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। गैसिफिकेशन की जो बात की गई, इससे भी एक डाइवर्सिफाई करके क्लीन फ्यूल की तरफ जाने की बात अगर हम करें तो उसका भी लाभ मिल पाएगा और इसमें भी लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए 50,000 करोड़ रुपये का खर्च होगा। और यही नहीं, जो कन्वेयर बेल्ट वगैरह बनानी है रेलवे तक जाने के लिए, रेल हेड तक जाने के लिए 18,000 करोड़ रुपये का निवेश उसके ऊपर भी होगा, तो वो भी एनवायरमेंट फ्रेंडली उस तरह के कदम उस पर उठाए जाएंगे, इससे भी उसको बल मिलने वाला है। और कोयले के क्षेत्र में एक ये बड़ा कदम है। कोल बेड मिथेन की जो बात करते हैं उसकी एक्सट्रैक्शन के लिए भी उसमें उनको अधिकार दिए जाएंगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उसमें भी इसकी सिंप्लीफिकेशन और की जाएगी ताकि माइनिंग प्लांट को छोटा किया जा सके और 40% इसमें ऑटोमेटिक जो इंक्रीज है वो एनुअल प्रोडक्शन में देने का अवसर मिलेगा। और कंसेशन कमर्शियल टर्म्स में कहा जाए तो लगभग 5,000 करोड़ के इसमें वो भी होंगे। यही नहीं, इसके अलावा जो मिनरल सेक्टर में, खनिज क्षेत्र में आपने जो संरचनात्मक सुधार लाने की बात कही है उसमें भी सीमलेस कंपोजिट एक्सप्लोरेशन कम माइनिंग प्रोडक्शन रेजीम की हम बात करते हैं कि इसको लाएंगे और 500 माइनिंग ब्लॉक्स ये उपलब्ध करवाए जाएंगे और इसमें भी बॉक्साइट और कोल मिनरल ब्लॉक्स इसकी ज्वाइंट ऑक्शन हो, नीलामी प्रक्रिया हो, इसको बल दिया जाएगा ताकि जो अल्मीनियम इंडस्ट्री है इससे उसको लाभ मिलेगा, अपनी बिजली की जो लागत आती है उसको कम करने के लिए भी और अल्मीनियम मैन्युफैक्चरिंग भी यहां पर ज्यादा हो, इससे उसको बल मिलने वाला है। इससे जो हमारे खनन में उसको भी वृद्धि मिलेगी और रोजगार सृजन भी होगा और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का भी इसमें उपयोग हो पाएगा। मिनरल इंडेक्स बनाने की एक बात हमने यहां पर की है जिसको डेवलप किया जाएगा और स्टैंप ड्यूटी को रैशनलाइज किया जाएगा उस समय जब वो अवार्ड की जाएगी माइनिंग लीसेस, उस समय उनको कर दिया जाएगा।